करीना दी, ये भी तो हो सकता है ना कि उस वक्त इतनी टेंशन चल रही थी और जल्दबाजी में दिमाग में बात नहीं आई होगी तो कर ली उसके नाम पे, मतलब जानबूझ के नहीं हुआ होगा ये सब कुछ। वाव भाभी, टाइम नहीं मिला। प्रीता को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ भी कहती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। मुझे एक बात बताइए, कितना टाइम लगता है एक नाम सजेस्ट करने में, हाँ, और कितना टाइम लगता है प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे ट्रांसफर करने में? जितना टाइम इस प्रॉपर्टी को प्रीता के नाम पे करने में लगा होगा ना, उतना ही टाइम लगता। बात तो सही करिए पुत्र, उतना ही टाइम लगता, यही तो मैं सोच रही हूँ। लेकिन मॉम, प्रीता ने करण को सोचने का वक्त ही नहीं दिया होगा। करीना दी, मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मैं कह तो रही हूँ ना कि उस वक्त इतनी टेंशन चल रही थी, करण और प्रीता कुछ भी कर लेते अपना पीछा अंशुमन से छुड़ाने के लिए। आप लोग प्लीज प्रीता के बारे में बुरा मत सोचिए। ओके भाभी, प्रीता के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ। चलिए मुझे एक बात बताइए, आपकी अच्छी प्रीता ने करण से सजेस्ट क्यों नहीं किया कि प्रॉपर्टी उसके नाम ना करे, उसकी वाइफ के नाम करते? प्रीता जानती है ना कि निधि करण की वाइफ है, निधि के नाम कर देते, निधि बन जाती है इस घर की मालकिन। क्यों नहीं सजेस्ट किया आपकी अच्छी प्रीता ने ये? दी, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, टेंशन भरा माहौल था, हो सकता है उस वक्त करण के या प्रीता के दिमाग में ये बात ना आई हो। भाभी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ना स्टूपिड से रीजन देना बंद कर दीजिए। मैं तो पहले दिन से कह रही थी प्रीता यही चाहती थी, वो चाहती थी ये पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस उसके नाम पे हो जाए। फाइनली सब कुछ उसके नाम पे हो गया, तो वो जो चाहती थी ना एग्जैक्टली वही हुआ। तो आप अपनी ये इलॉजिकल बातें और रीजंस मुझे देना बंद कर दीजिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, प्लीज आई बेग ऑफ यू। अजीब बात है, प्रीता ने ये घर बचाया, इस घर की इज्जत बचाई, सब सही किया, और ये सब खुश होने के बदले उसी को गलत समझ रहे हैं। आपके साथ डील करने से पहले करण लूथरा ने मेरे साथ डील कर ली थी, अपनी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब हो गया। तुमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है ना प्रीता। इसे एक बात बताऊं, तुम जो कहती हो ना वो करके दिखाती हो, तुम जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। आई मीन टू से, अरे तुम प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने से कितना डर रही थी, लेकिन तुमने सच में बहुत हिम्मत दिखाई, जो पूरी प्रॉपर्टी तुमने अपने नाम पर करवा ली, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। और इत्तेफाक देखो ना, जब मैं यहाँ पर अंशुमन पांडे के साथ में वो कोलैबोरेशन के पेपर साइन कर रहा था, तब उसी वक्त तुम पेपर्स के रजिस्ट्रेशन करवा रही थी, और बिल्कुल सही वक्त पर तुम पेपर्स को लेकर यहाँ पर आई, टाइमिंग वॉज परफेक्ट।